कोविड का कहर अभी थमा नहीं है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द अर्थ न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। जिस तरीके से कल डिवकॉम जम्मू डॉक्टर राघव लंगर द्वारा एक वार्ता की गई, यानी कि प्रेस वार्ता की गई, और उसमें उन्होंने जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उससे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की कि जितने भी एसओपीज हैं, जितने भी कोविड के जो भी सारी गाइडलाइंस हैं, उनका पालन किया जाए। जिसमें अगर हम बात करें फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, गैदरिंग्स को अवॉइड करना जैसी बातें रही, परंतु इस बीच एक बड़ी खबर आई थी। गवर्नमेंट जो कॉलेज है जीजीएम साइंस कॉलेज, वहाँ से और बताया जा रहा था कि 35 स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कॉलेज को बंद किया और आज इस समय ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जीजीएम साइंस कॉलेज के हॉस्टल प्रीमिसेस के बाहर की, और जहां पर जितने भी इम्प्लॉयज हैं हॉस्टल के, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका रैप टेस्टिंग यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो है यहां पर करवाई जा रही है। लगातार सुबह से ही टेस्टिंग यहां पर की जा रही है और कहा जा रहा है कि जितने भी यहां पर इम्प्लॉयज स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, उन सबकी यहां पर टेस्टिंग करवाई जाएगी और पता लगाया जाएगा कि कितना संक्रमण जो है यहाँ पर फैल चुका है। और अगर बात की जाए मैम, सुबह से आपने अभी तक कितने टेस्ट किए हैं? मैम 65 कर चुके हैं अभी तक। तो अभी तक 65 में से कितने पॉजिटिव? 19 पॉजिटिव हैं। तो आपने सुना कि यहाँ पर 19 जो पॉजिटिव केसेस जो हैं आज के दिन पे भी आ चुके हैं। तकरीबन 95 जो केसेस हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, और जिसमें से 19 जो हैं पॉजिटिव आ चुके हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो है कोविड अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। कोविड की सेकंड वेव जो है काफी तेजी से फैल रही है, और यहाँ पर ये तस्वीरें इस समय हम आपको जीजीएम साइंस कॉलेज की दिखा रहे हैं, जहाँ पर साफ तौर पर लगातार जो है देखने को मिल रहा है कि जो कोविड केसेस हैं उसमें वृद्धि हो रही है। और इसको लेकर जो है लगातार यहाँ पर अब जो हॉस्टल प्रीमिसेस के अंदर रहने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं या बाकी स्टाफ है, उसकी टेस्टिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि स्टाफ स्टूडेंट्स जो है लगातार यहाँ पर टेस्ट करवाता हुआ नजर आ रहा है, टेस्टिंग के लिए आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो ये प्रीमिसेस के बाहर जो है पूर्ण रूप से कोविड इन्फेक्शन के रिस्क को किस तरीके से कम किया जा सकता है, उसके पूरे प्रिकॉशंस, उसकी जो गाइडलाइंस हैं यहाँ पर लगा दी गई हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं कि उन्हें बताया जा सके कि किस तरीके से ये कैसे यहाँ पर सारी चीज़ों पर जो है रोकथाम लगाई जा सके। लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन कई कदम उठा रही है, और यहाँ पर ये हमारे कोविड वॉरियर्स यानी कि हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो लगातार लोगों को यहाँ पर टेस्ट कर रही है, और काफ़ी जो सावधानियाँ हैं ये लोग खुद यहाँ पर बरतते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो लोग हैं जो कि यहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए पहुँच रहे हैं, यानी कि जितने भी हॉस्टल के बच्चे हैं, एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैम मेरा एक और सवाल रहेगा कि जिस तरीके से जितने भी जो पॉजिटिव आ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर किस तरीके से, क्या उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है अलग से, या क्या उनके लिए प्रक्रिया है? जी हाँ मैम, उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। आप उनसे बात जी मैम, उसके लिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा उनको क्या करना है नेक्स्ट। अगर इनको सिम्टम्स हैं, ये सिम्टोमेटिक हैं, तो देन उनको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। अगर वो सिम्टम्स नहीं हैं, देन वो पॉजिटिव आ रहे हैं, देन उनको मे बी कॉलेज में ही क्वारंटीन किया जाएगा, और मे बी उनको घर में बोला जाएगा सेल्फ क्वारंटीन हो जाएगा। वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर साफ तौर पर उनका कहना है कि जितने भी अभी तक अगर बात की जाए, जितने भी यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके लिए अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला रहेगा कि वो क्या फैसला लेती है। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है फैसला लेगी क्या उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। अगर उनमें कुछ ज़्यादा सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, अदरवाइज उन्हें क्या कॉलेज में ही आइसोलेट करना है या जिस तरीके से हॉस्टल में आइसोलेट करना है। कई सारे यहाँ पर चीज़ें की जा रही हैं, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हॉस्टल प्रीमिसेस के बाहर जो है अब रैड टेस्टिंग यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है काफ़ी तेज़ी से शुरू कर दी गई है, जिसमें स्टूडेंट्स, इम्प्लॉयज या बाकी स्टाफ जो है यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा। और जो लोग हैं, जिस तरीके से अगर हम आम जनता की बात करें, तो उससे लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार अनुरोध कर रही है कि जो कोविड के प्रॉपर एसओपीज हैं उनका ज़रूर पालन कीजिए। फेस मास्क पहनना ना भूलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, साथ ही साथ गैदरिंग्स जितनी हो सके उसे अवॉइड कीजिए। वहीं टेस्टिंग की प्रक्रिया की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। जम्मू
टेरिटरी के अंदर पहुंचने वाले हर किसी व्यक्ति का जो है टेस्ट किया जा रहा है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, या जो रोड बाय रोड पहुंच रहे हैं। तो लखनपुर जो है जो बॉर्डर है वहां पर लगातार टेस्टिंग प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से की जा रही है, परंतु ज़रूरत है तो SOPs का पालन करने की। अगर SOPs का पालन नहीं किया जाता है तो एक बार फिर जो है कोविड के दुष्परिणाम जो है एक बार फिर देखने को मिल सकते हैं। तो जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।